फिरोजाबाद के थाना फरिया क्षेत्र के रानीपुरा गांव में चल रहा था लोगों को जहरीला दूध पिलाने का काम। सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से करते थे बड़े पैमाने पर नकली दूध की सप्लाई। पुलिस ने बड़ी मात्रा में यूरिया डिटर्जेंट से बना दूध भी मौके से किया बरामद। नकली दूध बनाने वाले एक व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। दो लोग मौके से भागने में हुए कामयाब। सिंथेटिक दूध बनाने वाली सामग्री के साथ पुलिस ने अन्य उपकरण भी किए बरामद। एसपी ग्रामीण रेड विजय सिंह ने किया मामले का खुलासा। देखिए, थाना फरिया के जो अंडर ट्रेनिंग सीओ हैं, जिनको वहाँ का चार्ज मिला है, उनको और वहाँ पे जो नियुक्त एसओ हैं, इन दोनों को सूचना मिली कि इनके एक गांव में जिसका नाम रानीपुर है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर मिल्क तैयार किया जा रहा है, जो अपमिश्रित है, एडल्ट्रेटेड मिल्क वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, डिटर्जेंट और जो ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उसको यूज़ करके काफ़ी मात्रा में ये सिंथेटिक दूध तैयार करके और यहाँ से लेकर के एनसीआर तक उस दूध का सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल मौके पर टीम गई, वहाँ पे एक व्यक्ति को इन लोगों ने अरेस्ट किया। इस पूरी टीम के साथ हम लोगों ने जो है कि फूड एडल्ट्रेशन रोकने वाली टीम है, उनके मेंबर्स भी लिए थे, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम और ये पुलिस दोनों ने एक संयुक्त रूप से वहाँ पे दबिश दी। उसमें हम लोगों ने एक व्यक्ति को वहाँ मौके से अरेस्ट किया, जिसका नाम प्रदीप यादव है। दो, एक मनोज और एक मुनेश, दोनों मौके से फरार हो गए, इसमें एक प्रदीप का भाई भी है। और उसके बाद जब हम लोगों ने वहाँ छानबीन की तो वहाँ से लगभग 400 लीटर एडल्ट्रेटेड मिल्क मिला और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे जो क्रीम्स वगैरह होते हैं, बाकी केमिकल्स होते हैं जिसको यूज़ करके और ये बना रहे थे, वो हम लोगों ने वहाँ से सीज़ किया है। वहाँ से बहुत सारे एम्प्टी डब्बे मिले हैं, जिस डब्बों में पैक करके और ये चारों तरफ सप्लाई करते थे। इस पूरे नेटवर्क में और जो लोग भी शामिल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। बाकी जो दो मुलजिम भागे हैं उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है, उनको भी बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। सर, ये नकली दूध का कितने वर्षों से काम करते थे? लेकिन इनके बारे में ये जानकारी हुई है कि लगभग 10 सालों से ये एडल्ट्रेटेड मिल्क बनाते थे और जो केमिकल्स यूज़ करके, और उसके बाद दिल्ली से लेकर के आसपास के तमाम जगहों पर इसकी सप्लाई करते थे और पर डे लगभग 500 लीटर दूध इस तरह का ये अपने इस पूरे एरिया में सप्लाई कर रहे थे। 10 सालों से ये काम कर रहे थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।